मैं आपको झटपट बनने वाला बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी आलू का डोसा बनाना बताती हूँ कैसे बनाया जाता है। ये खाने में जितना ज्यादा टेस्टी लगता है इसको बनाना उतना ही आसान है। और इस डोसे के साथ खाई जाने वाली हम स्पेशल चटनी भी बनाएंगे, उसके साथ तो ये खाने में और भी ज्यादा मजेदार लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए ये हमने 2 मीडियम साइज के बॉयल आलू लिए है। ये हमने मिक्सी का जार लिया है। अब जो हमने बॉइल आलू लिए थे उनको हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। ये हमने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, वो भी डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च, 1/2 कप पानी। अब हम सभी चीजों को मिक्सी से पीस करके महीन पेस्ट बना लेते हैं। ये हमने आलू को मिक्सी से महीन पीस लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमें इस टाइप का पिसा हुआ आलू चाहिए। अब हम इसके अंदर 1/2 कप सूजी डाल देते हैं। सूजी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महीन या मोटी। ये हमने 1 कप चावल का आटा लिया, इसे भी डाल देते। चावल का आटा डालने से डोसा कुरकुरा बन के तैयार होगा। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देते हैं। अब हम दोबारा से इन सभी चीजों को मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को मिक्सी से महीन पीस लिया है। पीसते समय थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, तब मैंने इसके अंदर 1/2 कप पानी का और यूज किया है। इस तरीके से अभी तक हमने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इस बैटर को इस बॉल में निकाल लेते हैं। अभी ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, हमें डोसे का बैटर पतला बनाना है। इस जार में मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब इस पानी को इस बैटर में डाल देती हूँ। अब हम पानी को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी बैटर में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये डोसा और भी ज्यादा टेस्टी लगे इसके लिए ये हमने 1 छोटे साइज की प्याज लिए, जिसे हमने छोटे पीस में काट लिया है, वो डाल देते। थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा। अब हम इसके अंदर 5 से 6 करी पत्ते डाल देते हैं, जिसे हमने छोटे पीस में काट लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अभी ये बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी और डाल देते हैं। पानी को मिक्स कर देते हैं। अब ये डोसे का बैटर बनके तैयार हो गया है। बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। अब हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक बैटर सेट हो रहा है हम डोसे के साथ खाई जाने वाली चटनी बना लेते हैं। ये हमने मिक्सी का जार लिया है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप हरा नारियल डाल देते हैं। 1/4 कप भुने वाली चने की दाल डाल देते हैं। ये हमने 1/4 कप मूंगफली ली है। मूंगफलियों को हमने भून करके इसका छिलका निकाल दिया है, वो डाल देते। 2 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने थोड़ी सी इमली ली है, वो डाल देते हैं। इससे चटनी के अंदर खटास आएगी, उसकी वजह से चटनी खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसकी जगह 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल देते हैं। अब हम चटनी को मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। ये हमने चटनी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके चटनी को महीन पीस लिया है। अब ये चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम चटनी को इस बॉल में निकाल लेते हैं। चटनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा गाढ़ा या पतला भी कर सकते हैं। अब जो जार में चटनी लगी थी उसमें हमने 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। अब इस पानी को हम इस चटनी में डाल देते हैं। अब ये चटनी बनके तैयार हो गई है। चटनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा गाढ़ा या पतला भी बना सकते हैं। अब हम चटनी के लिए तड़का बना लेते हैं। अब तड़के पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल देते। ऑयल आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
और ऑयल को गर्म होने देते। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें एक टीस्पून राई डाल देते। राई को तड़कने देते। राई तड़कने लगी है, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है एक चुटकी ही, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। एक टीस्पून उड़द की दाल, थोड़े से करी पत्ते, दो लाल मिर्च। अब हम सभी चीजों को हल्का सा भून लेते हैं। अब ये तड़का बनके तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम तड़के को चटनी में डाल देते हैं और तड़के को मिक्स कर देते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई है। अब ये चटनी तो बनके तैयार हो गई है और इधर 10 मिनट भी हो गए। अब हम बैटर को देख लेते हैं। अब ये बैटर भी सेट हो गया है। चलिए अब डोसा बना लेते हैं। डोसा बनाने के लिए हमने गैस पे पैन रख दिया है और पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और ऑयल को तवे पे फैला देते हैं और तवे को तेज गर्म होने देते हैं। तवा तेज गर्म हो गया है। अब जो हमने बैटर बनाया था वो हम तवे पे डाल देते हैं। हमें इस तरीके से बैटर को तवे पर डालना है और डोसे को मीडियम हाई फ्लेम पर सिकने देते हैं। आप देख पा रहे हैं डोसे का कलर चेंज हो गया है। अब हम डोसे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं जिससे कि ये क्रिस्पी बनके तैयार होगा। और हल्का सा ऑयल साइड से लगा देते हैं। अब हम डोसे को मीडियम हाई फ्लेम पर सिकने देते हैं। आप देख पा रहे हैं डोसा सिकने लगा है। अब हम डोसे को इस तरीके से चारों तरफ से घुमाते हुए सेक लेते। अब ये डोसा चारों तरफ से सिक गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सिका है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। बना है ना कितना क्रिस्पी। अब हम डोसे को प्लेट में निकाल लेते। आप देख पा रहे कितना बढ़िया सिक्के तैयार हुआ है। चलिए अब दूसरा डोसा बना लेते हैं। तो तवे को हम पोंछ लेते हैं और तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं। अब बैटर को तवे पर डाल देते। डोसे को भी बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंगे जैसे हमने पहले सेका था। अब ये डोसा भी सिक गया है, इसे भी हम फोल्ड कर लेते। और इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते। आप देख पा रहे कितने बढ़िया आलू के डोसे बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने। बने हैं ना कितने क्रिस्पी। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट। देखिए कितने बढ़िया डोसे बनके तैयार हुए। आप इसे किसी भी नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने जो आपको चटनी बना के दिखाई है अगर आप उसके साथ खाएंगे तो ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए देखते ही हो रही है ना खाने की इच्छा। ये डोसे खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप मेरे कहने से एक बार इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। जितने ये देखने में सुंदर लग रहे हैं उससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपके डोसे कैसे बने। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया अगर उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होंगे। आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आप इनको कब बना रहे हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।